मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि कितनी भी आने दो आतंकवादियों की आंधी, कितनी भी आने दो आतंकवादियों की आंधी, लेकिन मोदी राज में सुरक्षित रहेंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। ये स्पीच इसलिए हटाई है क्योंकि उनकी धोखे की समस्या मिटाई है। वेंकैया नायडू जी को उपराष्ट्रपति पद देकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने रचा दिया है इतिहास, क्योंकि वेंकैया जी थे बीजेपी के नेता खास। आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा अठोले रामदास। आपके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा अठोले रामदास, क्योंकि मैं हूं सच्चा भीमदास। बहुत मुश्किल है ये हाउस को चलाना, बहुत ही कठिन है बीजेपी और कांग्रेस को आपस में मिलाना। लेकिन हर बार मुझे बोलने के लिए बुलाना नहीं तो आपको मुश्किल होगा हाउस को चलाना। जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है राष्ट्रपति शासन। उसके सपोर्ट में मैं दे रहा हूँ राज्यसभा में भाषण। नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करना है भारत नेशन। जम्मू कश्मीर को न्याय देने का है अमित भाई का मिशन। कांग्रेस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीडीपी ने वहां बहुत साल तक किया राज। इसलिए राष्ट्रपति शासन की स्थिति आ गई है आज। जम्मू कश्मीर को हमें चढ़ाना है राष्ट्रवाद का ताज। हम सब मिलकर इस बिल का समर्थन करते हैं आज। मेरे मन में जम्मू कश्मीर का है स्पंदन। इसलिए मैं करता हूं अमित भाई का अभिनंदन। मैं तोड़ता हूं कांग्रेस वालों का बंधन और करता हूं पाकिस्तान का रणकंदन। हमें चाहिए एक राज्य एक राष्ट्र, लेकिन जम्मू कश्मीर दिखता है परराष्ट्र। इसका हमें बहुत हो रहा है कष्ट। हमें खत्म करना चाहिए 370 कलम नष्ट। जम्मू कश्मीर बहुत ही सुंदर, इसलिए वो चाहिए भारत के अंदर। हमें जम्मू कश्मीर का है अभिमान, वो भारत में ही है। जम्मू कश्मीर का है अभिमान, बढ़ानी है मैं उनकी शान। हमें जम्मू कश्मीर का है अभिमान, बढ़ानी है हमें उनकी शान। हमारा हमेशा रहता है पाक व्याप्त कश्मीर की तरफ ध्यान। इसलिए लगाना है हमें पाकिस्तान पर बयान। तो आज ये जो बिल लाया गया है, एक तो मतलब पीडीपी और बीजेपी एक साथ आए थे, लेकिन पीडीपी की भूमिका थोड़ी सी अलगाववादी लगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट निकाला। लेकिन तब कांग्रेस पार्टी और पीडीपी ने एक साथ आना चाहिए था। जिस तरह मतलब बीजेपी और पीडीपी का अलायंस टूटा, उसी तरह उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का अलायंस टूटा। मतलब वो तो टूटते रहता है, वो टूटा तो इसलिए ठीक बात है। तो इसलिए
ये जो आज का बिल आया है, एक तो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि भाई हमको और थोड़ा टाइम मिलना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए 6 महीना बढ़ाने की आवश्यकता थी, और अमित भाई ने गृह मंत्री के नाते ये बिल लाया है। ये बिल बहुत इम्पोर्टेंट है, बाद में 6 महीने के बाद इलेक्शन होने वाली है, इलेक्शन हो जाएगी तो बीजेपी वहाँ जीतने वाली है और वहाँ मतलब दो पार्टी का राज्य आना ठीक नहीं है, क्योंकि एक पार्टी का राज्य आना चाहिए, नहीं तो फिर और दो पार्टी का आएगा तो और भी जल्दी टूट टूट जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही अच्छा बहुमत मिलेगा। मेरा निवेदन ये है कि मतलब कश्मीर में मुस्लिम समाज की संख्या ज़्यादा है, जम्मू में हिंदू समाज की संख्या ज़्यादा है, लद्दाख में बुद्धिस्ट समाज की संख्या ज़्यादा है, तो नाम खाली जम्मू और कश्मीर है। तो मैं गृह मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे बौद्ध समाज को अलग मत करो, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसी तरह का भी नाम उसमें करने के संबंध में विचार करने की आवश्यकता है। और मेरी पार्टी की तरफ से मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ और आप सब लोग भी समर्थन करो, कांग्रेस वालों को समर्थन करने के बगैर कोई दूसरा चारा नहीं है, क्योंकि ये बिल का समर्थन नहीं करेंगे तो, क्योंकि 356 से जो कलम है, इस कलम का उपयोग कांग्रेस पार्टी ने बहुत बार किया है। जब NTR की सरकार थी आंध्रा में, तब NTR की सरकार बर्खास्त करने का निर्णय आपने लिया था, तब मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की पत्नी माई साहब अम्बेडकर जी के साथ मैं वहाँ NTR का सपोर्ट करने के लिए गया था, तो हम कोई 356 का बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं नहीं है, लेकिन जब ऐसा वक्त आ जाता है जी, तब मतलब इसी तरह का उपयोग करना पड़ता है। और 356 हम अभी यहाँ लगा रहे हैं, हम कोई वेस्ट बंगाल में लगाने के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहाँ शांति होनी चाहिए, वो हमारे मित्रों को कहना है कि भाई वहाँ शांति रखनी चाहिए, एक दूसरे पर हमला मत करो, जय बंगला भी बोलो, जय श्रीराम भी बोलो, जय भीम भी बोलो, जो बोलना है वो बोलो, लेकिन वहाँ जो संघर्ष है वो मतलब वहाँ शांति होनी चाहिए, और वहीं से गड़बड़ी ज्यादा चलती रहेगी, तो मेरा कहना ये है कि वहाँ भी 356 लगाने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा मत लगाओ। ममता जी को अभी एक दो क्या 6 महीने रह गए है, उनको 6 महीने राज करने दो, बाद में अपनी सरकार आने वाली है, काय के लिए 356 लगाना है। धन्यवाद ठाकरे जी, धन्यवाद, आप भी मतलब अच्छा काम करते रहो, और इसीलिए मैं इस बिल का तो समर्थन करता हूँ, और ये बिल पास हो जाएगा ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जय भीम जय भारत, धन्यवाद। रिपोर्ट करी श्री रामदास ठावले जी। श्री रामदास ठावले अंतिम वक्ता, आप इसके बाद माननीय मंत्री जी बोले। महोदय, जो ये बिल है, इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूँ। प्लीज प्लीज कृपया शांति रखें। ये अमित भाई ने लाया हुआ है जो बिल है, इसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूँ। माइक पर बोले आवाज। अभी माइक कृपया कृपया शांति रखें। हाँ, तो अमित भाई ने जो ये बिल लाया है, इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूँ, क्योंकि मैं भी आतंकवाद से लड़ा हूँ। मेरे ऊपर 2 बार मेरे ऊपर हमले हुए थे, और उस हमले का जवाब देने का काम भी मैंने किया था। हमारी दलित पैंथर की मूवमेंट थी, दलितों की सुरक्षा करने के लिए हम काम करते थे, तब मेरे ऊपर भी हमले हुए थे, मुझे ढेर सिक्योरिटी है। अभी केजरीवाल जी को अगर और भी ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए तो हमने देने के लिए तैयार है, मतलब आप चेयर को एड्रेस करें। नहीं है तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि कितनी भी आने दो आतंकवादियों की आंधी, कितनी भी आने दो आतंकवादियों की आंधी, लेकिन मोदी राज में सुरक्षित रहेंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। एसपी जी इसलिए हटाई है क्योंकि उनकी धोखे की समस्या मिटाई है, मतलब अभी इतना धोखा उनको तो नहीं है। सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी की चिंता कांग्रेस से ज़्यादा हमको है, और हम लोग उनको पूरी सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन ये जो कानून बन रहा है इसमें प्रधानमंत्री के फैमिली के लोगों को कितने साल सुरक्षा देनी है, तो मतलब इसीलिए मतलब झेड प्लस जो समस्या है, एक झेड प्लस सुरक्षा दे दी है, और इसीलिए मतलब हमारे सरकार के माध्यम से हमारे अमित शाह होम मिनिस्टर है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, मैं सामाजिक न्याय
मंत्री हूँ, राज्य मंत्री हूँ, तो तुमको सामाजिक न्याय देने के लिए मैं तो तैयार हूँ, और सुरक्षा देने के लिए अमित भाई तैयार है, और बाकी सब कुछ देने के लिए मोदी जी तैयार है। तो इसीलिए मतलब यार डरने की कोई बात नहीं है, तो इसीलिए आप चिंता मत करिए। राहुल गांधी की और सोनिया गांधी जी की चिंता हमें ज़्यादा है, और उनकी पूरी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। एसपी जी हटाई है, लेकिन उनकी समस्या में मिटाई है, तो इसीलिए मतलब यहाँ कोई आपके ऊपर अन्याय करने की बात नहीं है। और इसी तरह मतलब जिनको जिनको तो सुरक्षा चाहिए उनको सुरक्षा देने के लिए पुलिस वाले हैं, ये अमित भाई उसके लिए सुरक्षा देने के लिए तैयारी है। जिनको जरूरी नहीं उनकी निकाली जाएगी, जिनको चाहिए उनको दी जाएगी। और आनंद जी आपको आपको भी देने के लिए हम तैयार है, क्योंकि आप ज़्यादा बोलते हैं, आप मतलब हमारे ऊपर ज़्यादा अटैक करते हैं, तो इसीलिए ठीक बात है, तो इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बिल का मैं तो समर्थन करता हूँ, और ये बिल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये गांधी फैमिली पर अन्याय करने वाला बिल नहीं है, उनकी चिंता हमें तो जरूर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये बिल का समर्थन करता हूँ। जय भीम, जय भारत।